नमस्कार, कशिश न्यूज के स्पेशल बुलेटिन ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। इस स्पेशल बुलेटिन में हम आपको गांव से लेकर शहरों तक की खबरों से रूबरू करवाते हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं और इस बुलेटिन में हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप तक खबरों के पीछे की सच्चाई पहुंचाएंगे और साथ ही कुछ और अहम खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलिए इस स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मांग को लेकर आरजेडी का आज हल्ला बोल है और आरजेडी कार्यालय के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। तमाम जो कार्यकर्ता है वो आक्रोशित है। केंद्र की सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है कि बिहार की सरकार भी जो है वो डिमांड करे और इसके लिए एक प्रतिनिधि मंडल भी जो है जाके मुख्यमंत्री से मुलाकात भी उन्होंने किया था। सभी आरजेडी के कार्यकर्ता ये बताइए राजेश जी, क्या डिमांड है? वाकई आपको लगता है कि मंडल आयोग की जो सिफारिश है वो लागू करने में सरकार कहीं ना कहीं देरी कर रही है? देखिए, मंडल आयोग का संपूर्ण सिफारिश आज ही नहीं लागू है। जो 9 सिफारिशें थे उसमें मात्र 2 सिफारिशें लागू है, एक नौकरी में आरक्षण और एक शिक्षा में आरक्षण। लेकिन शिक्षा और नौकरी में आरक्षण में विगत 15 वर्षों में किस तरह से कटौती किया गया है ये भी सबके सामने है। हम ये का मांग है जातीय जनगणना कराया जाए। इसका कारण है कि भारत में जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जितने भी अध्यक्षता में जो समितियां बनती हैं और जो सुप्रीम कोर्ट है कई बार आवश्यकता जता चुका है कि ओबीसी के लिए कोई योजना इसलिए नहीं बन पाती है कि इसकी वास्तविक आंकड़ा हमारे पास नहीं है। अब जब तक वास्तविक आंकड़ा नहीं होगा आप कोई भी उनके आर्थिक उत्थान की योजना नहीं बना सकते हैं। तो लगता है कि उनके उत्थान के लिए ये आवश्यकता है। क्या आपको भी लगता है कि जाति जनगणना नहीं हो पा रही है, इससे लोगों को भी परेशानी हो रही है? परेशानी तो जरूर हो रही है, जातीय जनगणना तो जरूर होना चाहिए और हम लोग का मांग है कि जातीय जनगणना कराया, जिसका जितनी आबादी है उसमें भागीदारी दिया जाए। और सरकार इस चीज से डर रही है कि जातीय जनगणना कराएंगे तो हम लोग कम पड़ जाएंगे उन लोग, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि जातीय जनगणना हो और जिसकी जितनी आबादी उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि जातीय जनगणना होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, सब चीज की गिनती हो रही है तो जातियों की गिनती क्यों नहीं होगी? सब भेड़ बकरी जानवर सबका गिनती हो रहा है तो जातियों की क्यों नहीं गिनती होगी? अब कौन जाति की कितनी आबादी है उस हिसाब से मतलब की गिनती होना चाहिए। देखिए, तमाम जो आरजेडी कार्यकर्ता है वो जातीय जनगणना की कराने की डिमांड कर रहे हैं और लगातार ये बातें भी कर रहे हैं कि जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक सरकार की जो योजना है उस योजना को कैसे बनाया जाए, किसके लिए बनाया जाए ये समझ नहीं आ पाएगा। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में जातीय जनगणना का मुद्दा है, ये सड़क से सदन में दिखेगा और तमाम लोग जिस तरह से गोलबंद हो रहे हैं तो हमें लगता है कि केंद्र सरकार को इसके आगे ये धरना प्रदर्शन मंडल कमीशन का जो अनुशंसा है उसको लागू करने और बैकलॉग में जातीय आरक्षण को जो है उसको लागू करने सहित जातीय जनगणना को भी जो है उनका इन्होंने मांग किया है कि जातीय जनगणना किया जाए। ये जानते हैं कि क्या है पूरा मामला, इनसे ये धरना प्रदर्शन सब बताइए क्या है मामला। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के आह्वान पर तेजस्वी यादव के दिशा निर्देश में अन्य नेताओं के निर्देशन में राष्ट्रीय जनता दल वर्षों से ये मांग करती रही है कि देश के अंदर में जातीय जनगणना को काम को पूरा किया जाए। राष्ट्रीय जनता दल का मानना है 1931 में जो जातीय जनगणना हुआ उसके बाद आज तक जातीय जनगणना का कार्य नहीं हुआ। 2010 में लालू प्रसाद यादव जी और समाजवादियों के दबाव में तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा जातीय जनगणना का आह्वान किया गया था। 5000 करोड़ रुपया से ज्यादा खर्च करके जो जनगणना कराया गया 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई उस जनगणना को छिपा दिया। जज उत्तम आनंद के मामले में जो है सीबीआई अपनी जांच शुरू कर चुके हैं। इस वक्त जो है सीबीआई की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि सीबीआई की जो टीम है वो यहां पहुंच चुकी है और घटनास्थल पे एक एक चीज की जांच कर रही है। और कल बता दें कि कल सीबीआई की टीम ने जो है कोर्ट में दोनों आरोपी जो थे उनको रिमांड पर लेने के लिए अर्जी डाली थी, जिसके बाद जो है 5 दिनों की रिमांड जो है वो मंजूर की गई, जिसके बाद जो है आज
सीबीआई की टीम जो है वो घटनास्थल पर पहुंची है और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हर एक बिंदु पे वो जांच कर रही है घटनास्थल पे। ठीक इसी जगह पे जो है मॉर्निंग वॉक के द्वारा जो जज उत्तम आनंद है उनकी ऑटो से टक्कर लगने के बाद मौत हो गई थी, जिसके बाद झारखंड सरकार की अनुशंसा पे यह मामला जो है सीबीआई को दिया गया था और सीबीआई लगातार जो है इस मामले में अपनी कार्रवाई करते नजर आ रही है। और इस वक्त जो है सीबीआई की जो वो पहुंच चुकी है और वो घटनास्थल पर जो है एक एक बिंदुओं की वो जांच कर रही है। ये तस्वीरें जो है वो हम दिखा रहे हैं घटनास्थल की, जहां पर सीबीआई की टीम जो है वो लगातार घटनास्थल पर जाँच कर रही है। दिल्ली की जो सीबीआई की टीम है सीएफएसएल, वो टीम जो है लगातार घटनास्थल पर पहुंचकर वो जांच कर रही है और जो दो आरोपी थे जो पकड़े गए थे उन्हें भी 5 दिनों की रिमांड पर लेकर जो सीबीआई की टीम है वो पूछताछ कर रही है। और अभी अभी घटनास्थल पर पहुंची है सीबीआई की टीम और सीबीआई की टीम हर बिंदुओं पे जांच कर रही है। और साथ ही ये बता दें कि सीबीआई जब से इस केस को अपने हैंडल में लिए है तब से लगातार जो है वो जांच की रफ्तार को तेज कर दी है। कन्हैया कुमार कशिश, न्यूज धनबाद। भ्रष्टाचार पर अगर अंकुश लगाना है तो आपको जाना पड़ेगा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पास, यानी एसीबी। एसीबी के पास अगर आप जाएंगे तो निश्चित तौर पे आपको न्याय मिलेगी। और इसको लेकर पहले चाईबासा में कार्यालय था और जब रघुवर सरकार बनी तो उसे जमशेदपुर में पदस्थापित कर दिया गया। एक सूचना मिली कि चक्रधरपुर के एसआई ने 5,000 रुपया घूस लेते हुए एसीबी ने उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार कर उसे जमशेदपुर के सोनारी थाना लाया गया। मेरे पीछे जो ये कार्यालय का बोर्ड है वो देखिए और उसके बाद बखूबी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बोर्ड दिखाने का उद्देश्य है कि यहाँ पर कोई भी अधिकारी कुछ बताने को तैयार नहीं है। भले ही एसीबी ने एक एसआई को यानी पुलिसकर्मी को 5,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है, उसकी गिरफ्तारी भी हो गई है और वो थाने के अंदर रखा गया है, उससे पूछताछ चल रही है। लेकिन इस मामले में जब हमने यहाँ के एसपी से बात करने की कोशिश की तो उनका फोन क्या कह रहा है वो सब कुछ खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा, क्योंकि लगातार हम जमे हुए हैं और चाहते हैं कि अपने दर्शकों को ये बताएं कि वाकई जिस जगह पे हम हैं तो एसीपी साहब का फोन क्या कह रहा है, एक बार आप भी सुन लीजिए। हेलो, मनोज सिंह बोल रहे हैं कशिश न्यूज से। सर ये कोई गिरफ्तारी हुई है चक्रधरपुर से? हाँ। तो इस मामले में बाइट लेना था। बाइट तो हम ले रहे हैं, एसपी साहब से संपर्क कर लेते हैं। एसपी साहब का नंबर लग रहा है क्या? ऑफिस में गोपनीय है, एसपी साहब का नंबर ले लीजिएगा। बोर्ड में जो लिखा गया है नंबर वो नंबर है, वो काम कर रहा है? वो नंबर अभी हैंडओवर नहीं हुआ है, अंदर घुसिएगा तीसरा वाला जो रूम है उसमें आप बात कर लेंगे, आपका नंबर ले लेंगे तो मिल जाएगा। चलिए ठीक है सर, आप नहीं है यहाँ पर? ठीक है सर। हालांकि जो नंबर यहाँ पर अंकित है ये नंबर अभी तक जो पुलिस अधीक्षक 9431108671 ये यहाँ के जो थाना प्रभारी है उनका सीधे तौर पे कहना है कि ये नंबर अभी तक हैंड ओवर नहीं हुआ है, यानी एसपी साहब को नहीं मिला है। खैर बात कुछ भी हो लेकिन इतना तो ज़रूर है कि इस मामले में जो यहाँ के स्थानीय थाना प्रभारी हैं वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है और यहाँ पर जो एसीबी के एसपी है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर जिनकी गिरफ्तारी हुई है, किस मामले में गिरफ्तारी हुई है, वो जिस जगह से लाया गया है, वो कौन सा व्यक्ति कंप्लेनर कौन था, ये अब तक पता नहीं चल पाया है। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में मनोज कुमार कशिश, न्यूज जमशेदपुर। के निर्देश के आलोक में आज से पटना के सिनेमा हॉल को खुलना था लेकिन पटना के सिनेमा हॉल आज भी बंद है। कारण बहुत स्पष्ट है, आज से राज्य सरकार ने पटना के सिनेमा हॉलों को खोलने की अनुमति दी थी और कहा था कि 50% दर्शकों के साथ पटना के सिनेमा हॉल खुलेंगे, लेकिन जब कशिश की टीम सिनेमा हॉल पर पहुंची तो सिनेमा हॉल का शटर डाउन था। जब हमने पूरे मामले की जानकारी ली तो पता यह चला कि चूंकि संक्रमण के दौरान पिछले कई महीने से सिनेमा हॉल बंद है तो सभी स्टाफ यहां से निकल गए हैं, वो लोग दूसरी जगह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। साथ ही साथ कोई नई फिल्म नहीं आ रही है, इसीलिए
सिनेमा हॉल मालिकों ने सिनेमा हॉल बंद करने का निर्णय लिया है। फिलहाल इन लोगों का कहना है कि सिनेमा हॉल चलाने के लिए जो अतिरिक्त व्यवस्था है वो जब तक नहीं होगी तब तक हॉल शुरू करना नामुमकिन है। राज्य सरकार ने कहा है कि सिनेमा हॉल अब बिल्कुल प्रोटोकॉल के तहत चालू करें, लेकिन राज्य सरकार के निर्णय के बाद भी आज पटना के सिनेमा हॉल बंद है। वजह सीधा है, एक तो नई फिल्म नहीं है और दूसरा यहाँ के सभी लोग जो स्टाफ काम करते थे संक्रमण के दौरान जब बंद हुआ तो अपने जीवन यापन के लिए कहीं दूसरे जगह जाकर काम कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ अब मैन पावर की व्यवस्था करनी होगी, नई फिल्में आएगी उस फिल्म के बाद ही सिनेमा हॉल खुल पाएगा। निश्चित तौर पर यह बड़ा महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं हालात ये हो गए हैं कि अब सिनेमा हॉल खोलने के आदेश के बाद भी पटना के सिनेमा हॉल बंद ही रहेंगे। मुर्गुबालम कशिश न्यूज पटना। जेएसएससी परीक्षा में झारखंड सरकार ने की कैबिनेट ने एक नया फैसला लेते हुए 12 क्षेत्रीय भाषाओं को चयन किया है, जिसमें छात्रों को अपना जो परीक्षा है वो लिखना पड़ेगा, लेकिन पलामू के किसी भाषा को उसमें शामिल नहीं किया गया है। इसके लिए छात्र जो है वो काफी गुस्से में है, आंदोलन के मुख में है। हम उनसे ही जानते हैं छात्रों से कि आखिर सरकार का फैसला क्या है और उसके विरोध में ये क्यों खड़े हैं। अभिषेक जी, क्या मानते हैं सरकार का जो फैसला है उसका विरोध क्यों? सरकार पलामू प्रमंडल के नौजवानों की भावनाओं के साथ खेल रही है। उनकी पलामू क्षेत्र में बोली जाने वाली कोई भी भाषा इस परीक्षा में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए मैं आग्रह करना चाहूँगा और विधानसभा समिति के सदस्यों से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि पलामू में बोली जाने वाली भाषा हिंदी, मगही, भोजपुरी को आगामी परीक्षा में जोड़ दिया जाए, जिससे कि यहाँ के छात्र को भी परीक्षा में बैठने का अवसर मिल सके और उनकी जो द्वितीय पत्र के रूप में जो क्षेत्रीय भाषा पास करना और उसके नंबर को जोड़ने के जो प्रावधान है मेधा बनाने वक्त, उसमें वह कायम हो सके, आगे अपने भविष्य को सुधार सके। तो छात्रों की मांग है कि मगही और भोजपुरी की भाषा को पलामू के लोगों के लिए जोड़ा जाए। राहुल जी जानते हैं, राहुल जी आप तो पहले भी आंदोलन कर चुके हैं, 13/11 का मुद्दा पलामू से ही उठा और जाकर सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा, लेकिन ये फिर से नया फैसला, क्या मानते हैं इसको, कैसे देखेंगे? एक प्रकार से पुनः पलामू के लोगों को, प्रमंडल के लोगों को छलने का प्रयास किया जा रहा है और सरकार से बहुत ही युवाओं को, यहाँ के युवाओं को उम्मीद थी, लेकिन जिस तरीके से कैबिनेट में कल फैसला हुआ उसके बाद रात से ही खासकर यहाँ के युवाओं गोलबंद होने लगे हैं। युवा ये कहने लगे कि यह सरकार भी पलामू प्रमंडल को झारखंड का हिस्सा शायद नहीं मानती है। इसका कारण यह है, कारण देखने को मिला कैबिनेट के फैसले से, कारण यह है कि यह जो फैसला लिया गया है पलामू में जो भाषाएं बोली जाती है, जो भाषा यहाँ पढ़ाई जाती है, जो भाषा यहाँ पे व्यवहारिक रूप से लागू की जाती है, जैसे हिंदी, यहाँ के ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं, ज्यादा लोग मगही भाषा का प्रयोग करते हैं, थोड़ा ज्यादा लोग कुछ भोजपुरी लैंग्वेज का ही प्रयोग करते हैं, और इसी भाषा में जेट का ही पिछली एग्जाम जो हुई थी, JET का जो एग्जाम हुआ था वो मगही भाषा में किया गया था, लेकिन ये भाषा को क्लियर रूप से हटा दिया गया है और इससे छात्रों में काफी रोष है। और माननीय हेमंत सोरेन जी के माध्यम, यहाँ पे जो विधानसभा समिति आज पलामू में आई हुई है, उनके माध्यम से हम लोग मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपना चाहते हैं, ज्ञापन सौंप रहे हैं और उनको ये बता रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होता है तो हम सभी छात्र गोलबंद होंगे और जैसा रघुवर सरकार का 13/11 को वापस लेना पड़ा था वैसे ही हम लोग आंदोलन पे बाध्य होंगे, आंदोलन पे बाध्य होंगे, सरकार को अपना फैसला वापस लेना चाहिए, इनकी मांग है। सनी जी क्या मानते हैं, ठेठ पलामू ये आपने शुरू किया था फेसबुक पेज पे और पलामू को कोई जगह ही नहीं मिले, एकदम ठेठ अंदाज में बताइए कि सरकार को क्या करना चाहिए? हमें तो लगता है कि भाषाई कुत्सित राजनीति में हमें फंसा दिया गया है। अब ऐसा प्रतीत हो रहा जैसे पलामू प्रमंडल झारखंड का अभिन्न अंग है ही नहीं। अगर हम सब हिंदी भाषी हैं, हम सब बचपन से लेके कॉलेजों तक आज तक हिंदी में पढ़ाई करते रहे और आज अगर हम अपनी मातृभाषा अगर हिंदी को मानते हैं तो इसमें हमारी क्या गलती है? आखिर हम किसी और भाषा में अब एग्जाम कैसे दें? मेरा पूछना है कि क्या जज और कलेक्टर भी इसी तरीके से चुनकर हमारे यहाँ आएंगे? आखिर हमारे भाषा या हमारी सोच को, हमारे विद्यार्थियों को क्यों जगह नहीं मिल रही है? तो स्थानीय भाषा को जगह मिलनी चाहिए और जो पलामू के लोग खासतौर पर मगही, भोजपुरी और हिंदी का जो उपयोग करते हैं उसे स्थानीय भाषाओं में नहीं शामिल करना कहीं ना कहीं छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ है, ये ऐसा मानना है और इसी को लेकर ये विरोध प्रदर्शन करेंगे, सरकार से मांग करते हैं कि इन भाषाओं को भी शामिल किया जाए। श्रवण सोनी, कशिश न्यूज, पलामू। राज्य सरकार ने आज से सभी प्राइवेट और जो सरकारी स्कूल हैं वो 9 to 11 को खोल दिया है। ये नज़ारा है संजीवीर स्कूल का, हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, आप देख सकते हैं। हालांकि जो हमारी बातचीत हुई है अंदर में छात्र छात्रा आज नहीं आ पाए हैं और फिलहाल कह सकते हैं कि
कुछ अभिभावक हैं वो आए थे, वो अंदर गए थे, वो वहाँ से उन्होंने क्या नाम कह सकते हैं, वहाँ से ड्रेस लिया है और कुछ यूनिफॉर्म वगैरह लेने के बाद यहाँ से निकल गए हैं। अभिभावक से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत फ़र्क है और फिलहाल आज से स्कूलें खुली जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छात्र छात्राएं स्कूल नहीं पहुंच पाई हैं। इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो ये है कि जो एक तो सैटरडे है, लेकिन उसके बावजूद कह सकते हैं कि छात्र छात्राएं नहीं आ रही हैं। अब फिलहाल जो लोग आ रहे हैं वो लोग यहाँ यूनिफॉर्म लेने आ रहे हैं, उनका कहना है कि सोमवार से मंडे से जब स्कूल खुलेगी तो वो ज़रूर आएंगे और ऑफलाइन ऑनलाइन का जो मामला है उसमें अभिभावकों का कहना है कि कहीं ना कहीं ऑफलाइन बहुत ज़रूरी है पढ़ाई, लेकिन संक्रमण के स्कूल बंद था और आज से राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार स्कूल खोला गया है, सैनिटाइज की व्यवस्था है, लेकिन छात्र छात्राएँ स्कूल नहीं आई हैं, बिल्कुल सन्नाटा है। और फिलहाल कहा यही जा सकता है कि कहीं ना कहीं लोग जो आएंगे इस पूरे मामले में कह सकते हैं कि अभिभावकों का कहना है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन बहुत ज़रूरी है और ऑनलाइन से बच्चे कुंठित हुए हैं और ऑफलाइन की का जो कह सकते हैं कि स्कूल है वो होना बहुत ज़रूरी है। और लोग यहाँ आए हैं, कुछ लोग अभिभावक हैं वो आए हैं यहाँ कह सकते हैं ये लेने के लिए, ड्रेस लेने के लिए। कहाँ से आए हैं? अब तो घर से आ रहे हैं, स्कूल की ड्रेस लेने आए हैं। ड्रेस लेने आए? स्कूल खुल गई ना? स्कूल सोमवार से तो खुल रहे हैं। अच्छा, अभी खुली नहीं है स्कूल? स्कूल सोमवार से खुलेंगे, ड्रेस चेंज कर दिया गया ना, जिसके वजह से अभी ड्रेस लेने के लिए आए हुए हैं। आएंगे स्कूल आप? यस, एकदम ऑफ कोर्स। ऑफलाइन ऑनलाइन में क्या लगता है अच्छा? आपको लगता है कि ऑफलाइन पढ़ाई होनी चाहिए वो ज़्यादा? ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा। ऑनलाइन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऑनलाइन में क्या होता है, कुछ बच्चे केयर नहीं करते हैं, कोई इधर बिजी हो जाता है, कोई इधर बिजी होते हैं, सर तो अपना 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 स्टेटमेंट दे कर निकल जाते हैं। ठीक है, ऑफलाइन ज़्यादा जी, कहेंगे आप जो पढ़ाई जो होगी सही यही होगी। निश्चित तौर पर अभिभावक का मानना है कि ऑफलाइन बहुत जरूरी है और फिलहाल कह सकते हैं कि लोग का कहना है कि ये लोग अब नियमित स्कूल आएंगे। मुर्गुबालम कच्ची न्यूज पटना। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी ग्राउंड जीरो से हमारी एक खास रिपोर्ट जारी रहेगी। ग्राउंड जीरो से खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और वो खबर जो आम लोगों से जुड़ी हुई है, जिसका आम लोगों के जनजीवन पर खासा प्रभाव पड़ रहा है, तो देखिए ये खास खबर। जमशेदपुर एक बार फिर सुर्खियों में है और ये सुर्खियां इसलिए क्योंकि जमशेदपुर की सरजबी और मानगो थाना क्षेत्र से लश्करे तोयबा का एक संदिग्ध आतंकी को एटीएस की टीम ने गिरफ्तार कर ली है। हालांकि सुबह 4 बजे गिरफ्तारी हुई, लेकिन गिरफ्तारी के बाद जैसे जैसे दिन चढ़ता गया ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे जमशेदपुर ही नहीं पूरे दुनिया में फैल गई। बस के लश्करे तोयबा का एक संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी कोई पहली नहीं हुई है। इससे पहले भी अलकायदा का संदिग्ध आतंकी जमशेदपुर से गिरफ्तार हो चुका है, एक मानगो थाना क्षेत्र से तो दूसरा बिष्टपुर थाना क्षेत्र से। हालांकि गिरफ्तारी के बाद तरह तरह की चर्चाएं चल रही है। सवाल ये उठता है कि आखिर इस जमशेदपुर में रहने वाले लोग का तार कहाँ तक जुड़ा है। लगातार पुलिस की निगाहें अब जमशेदपुर पे है, दिल्ली पुलिस की निगाहें जमशेदपुर पे है, एटीएस की टीम की निगाहें जमशेदपुर पे है, अब तो एनआईए की नजर भी जमशेदपुर पे है। एक बार हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये मानगो थाना को देखिए, यही वो थाना क्षेत्र है जहां पर एक अलकायदा का संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि लश्कर ए तोयबा का है वो, अलकायदा का इससे पहले गिरफ्तारी हुई थी और अब जो आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है और एटीएस की टीम ने जो गिरफ्तार की है वो लश्कर ए तोयबा का है और इसी थाना क्षेत्र का है। फिलहाल पुलिस एटीएस की टीम जमशेदपुर पुलिस को बता नहीं पाई, लेकिन हमने इस मामले में एसएसपी से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन एसएसपी ने सीधे तौर पे इनकार कर दिया और कह दिया कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। पुलिस कुछ भी बताने को तैयार नहीं है, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि एटीएस की टीम ने लश्कर ए तोयबा के एक संदिग्ध आतंकी को जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। अब इसकी गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस आगे का तार किसकित के साथ जुड़ा है वो अब जांच कर रही है। पाकिस्तान तक कैसे पहुंचा ये जमशेदपुर से तार, ये बड़ा सवाल है। इससे पहले भी गिरफ्तारी हुई थी तो पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ था, अब इस बार की गिरफ्तारी भी कई सवाल खड़ा कर रहा है।
अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में मनोज कुमार कसित जनसे। समस्तीपुर में अभी जो है बैंक ऑफ इंडिया में 16 लाख के लूट की घटना को अंजाम अपराधियों ने इसी बैंक में दिया। आप देख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया है, इसी कार्यालय में जो है अपराधी जो है चार अपराधी आए थे और यहीं जो है घटना को अंजाम दिया गया है। और देख सकते हैं कि जो चार अपराध लगातार अगर बात की जाए तो बैंकों में जो है इन दिनों लगातार अपराधियों की जो है अपराधियों की जो वारदात है वो लगातार बढ़ गया। हमारे साथ सर हैं, बात करें सर क्या कुछ घटना हुआ था? 1 बजे के आसपास कुछ हथियारबंद अपराधी आए और बैंक में कैश काउंटर से और बोर्ड से कैश लेकर चले गए। कितने की संख्या में अपराधी होंगे और क्या कुछ कह के आए थे, क्या उन लोगों के पास क्या कुछ था? सबके हाथ में पिस्तौल था और 4 की संख्या में। कैसे आए थे वो लोग? कैसे नीचे तो बाइक से सीसीटीवी में दिख रहा है, बाइक से आए हैं, बाइक से गए हैं, एक ही बाइक पर 4 आदमी। कितने पैसे गए, कितने लूट हुआ? 16,76,000। तो ये हमारे साथ बैंक के जो है अधिकारी थे जिन्होंने कहा कि जो है अपराधी जो है 4 की संख्या में अपराधी आए थे और नीचे जो सभी अपराधियों के पास बाइक से आए थे और बाइक सवार अपराधियों के पास जो है पिस्टल थे, सभी हथियार बंद थे और जो है बैंक में जो है कस्टमर बनकर आए और लूट की घटना को अंजाम देकर 16 लाख की घटना को अंजाम देकर निकलते बने। समस्तीपुर से कशिश के लिए मंटुन कुमार। हिमालय की गोद से निकलने वाली कोसी नदी सुपौल जिले के मध्य भाग से गुजरती है। चूंकि दोनों तटबंध के बीच एक बहुत बड़ी आबादी यहाँ पर रहती है, लिहाजा उन लोगों को मानसून के समय में खास करके 4 महीने भारी मशक्कत से गुजारनी पड़ती है, जिसके चलते उन लोगों की जिंदगी नारकी बन जाती है। मानसून के आते ही जब तटबंध के अंदर कोसी नदी का उत्पात शुरू होता है तो वहाँ के लोगों का जीना मुहाल हो जाता है और लोग किसी तरह बचते बचाते तटबंध के बाहर निकलना चाहते हैं। हालांकि इस दौरान नाव की व्यवस्था रहती है लेकिन जो लोग अंदर बसे हुए हैं उसके घर बार उजड़ जाते हैं, जमीन कट जाती है, बूढ़े बुजुर्ग और बच्चों को लेकर किसी तरह लोग बाहर निकलते हैं। बाढ़ त्रासदी के वक्त जब लोग बाहर निकलते हैं तो उसके लिए सरकारी कई तरह के प्रावधान हैं, जैसे शिविर, राहत शिविर लगाए जाते हैं और उसमें लोगों को ठहराया जाता है। लेकिन राहत शिविरों के माध्यम से उन लोगों की ज़िंदगी कैसे कट पाती है ये देखना लाजमी होगा। सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की समस्या हर साल आती रहती है और उन लोगों के आसियाने बनते और बिगड़ते रहते हैं। बावजूद सरकार द्वारा इस दिशा में अस्थायी पहल नहीं किया जाना सबसे बड़ी यहाँ की विडम्बना है और लोग चाहते हैं कि किसी तरह वो अपनी ज़िंदगी को सामान्य तरीके से जीना शुरू करें। लेकिन कोसी की त्रासदी खासकर तटबंध के अंदर जो बसे हुए लोग हैं उनके लिए ये समय काफ़ी भयावह होता है और लोग चाहते हैं कि किसी तरह उनकी ज़िंदगी सामान्य हो। लेकिन इस दिशा में, उनकी ज़िंदगी सामान्य करने की दिशा में सरकार द्वारा अभी तक अस्थायी पहल नहीं किया जा सका है, जिसके चलते वो लोग मायूस। हम बोले छे, हमार नाम परमेश्वर प्रसाद यादव, ग्राम खुकनहा माना टोला। अभी तक एते पानी अलै, एतनी पानी जतनी अभी छे वर्तमान में।